हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन ये थी आपकी कि आप चल रहे थे एमएस वर्ड के अंतर्गत, उसमें आपकी फाइल मेनू चल रही थी, सॉरी मेनू बार में आपके कौन कौन से ऑप्शन आते हैं उसमें बताया था मैंने। सबसे पहले आते हैं फाइल, उसके बाद में था होम, फाइल मेनू, ये आपकी मेनू बार थी ना। मेनू बार की ऊपरी ऊपर तो थी आपकी टाइटल बार, और टाइटल बार के नीचे थी मेनू बार। उसके साथ में आता है इंसर्ट, उसके साथ में आता है पेज लेआउट, क्या आते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मार्जिन, और उसके साथ आते हैं मार्जिन, और भी बहुत से ऑप्शन इसमें रहते हैं। इसके आगे रहता है व्यू रहता है और डेवलप रहता है। ये आपको ऑप्शन इसमें मिलते हैं मेनू बार में, किसमें मिलते हैं मेनू बार में। तो आपको फाइल मेनू के बारे में बता दिया था मैंने कि आप फाइल पे क्लिक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। होम में कौन कौन से आते हैं मैंने बता दिया आपको, जो बताया था ना पिछले वीडियो में कि नंबर्स हैं, बुलेट्स हैं जोड़ना, और वो किस किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे पेज लेआउट की, इसकी बात करेंगे, पेज लेआउट की बात ही हम करेंगे। कि आपका जो पेज का है वो लेआउट किस प्रकार से आपको दिखाई देता है, या आप उसमें किस प्रकार से चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हो तो उसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, कलर का मिलता है, थीम का मिलता है, फॉन्ट का मिलता है, इफेक्ट का मिलता है, कि आप इसमें किस प्रकार के तो कलर को रख सकते हो, किस प्रकार के इसमें थीम सेट करना है, किस प्रकार के इफेक्ट आपको जोड़ना है, ये आपको ऑप्शन मिलते हैं पेज लेआउट में। उसके साथ ही आपको मिलता है मार्जिन, और तो ये किस किस काम में लिए जाते हैं। ये तो थीम ग्रुप में थे, तो पहले थीम ग्रुप को देख लेते हैं क्या है। ये थे थीम ग्रुप में आता है आपका ये कलर, तो कलर आप चेंज कर सकते हो, थीम की कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हो कि कौन से इफेक्ट में आपको रखना है, फॉन्ट में आपकी फॉन्ट की साइज, फॉन्ट स्टाइल, वो सभी आप कौन से थीम में फॉन्ट रखना चाहते हो वो फॉन्ट इसके चेंज कर सकते हो। उसके बाद में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, एक रहता है मार्जिन। मार्जिन क्या मतलब है, क्या होता है कि आपका जो पेज है, क्या है कि आपका एक जो ये पेज है इसमें आप लिखना शुरू करोगे, क्या करोगे लिखना शुरू करेंगे, तो लिखना शुरू करने से पहले इसमें आपको मार्जिन सेट करनी पड़ती है। तो मार्जिन क्या होती है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो हाशिया, क्या कहते हैं हाशिया, कि आपको इधर कॉलम कितना छोड़ना है, कि लिखने से पहले अपनी नोटबुक में इधर जगह रहती है ना, कि इससे आगे से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, और अपनी नोटबुक में ऊपर भी जगह रहती है, इस प्रकार से लाइन बनी हुई रहती है ना अपनी नोटबुक में, कि ऊपर कितनी जगह छोड़नी है और साइड में कितनी जगह छोड़नी है। तो ऐसे ही
इधर भी लिखना है हमने को कि इतनी इधर कितनी जगह छोड़नी है आपको लेफ्ट साइड में, कितनी राइट साइड में जगह छोड़नी है और कितनी जगह बॉटम में छोड़नी है। तो ये जो जगह आपकी छोड़ी गई है, ये चारों तरफ की जो जगह है वो आपकी मार्जिन कहलाती है, जिसमें आपको देखते हो कि इधर देखो ऊपर जगह ज्यादा छोड़ी जाती है, आशे इतना छोड़ा था ना ऊपर का, और साइड में उसकी बजाय थोड़ी कम रहती है, नीचे और भी कम रहती है और इधर भी कम रहती है जगह। तो ये सेट करने का काम है वो मार्जिन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का इसका आइकन रहता है मार्जिन का, इसमें टिक के निशान नहीं रहते और ये आइकन इसी प्रकार का रहता है, मार्जिन सेट करने का आइकन इसे दिखा देता है आपको। दूसरा आइकन है इस प्रकार से है, इसमें यह होता है कि आपका जो पेज है वो पेज खड़ा लेना है, वर्टिकल लेना है, या आपको पेज जैसे हॉरिजॉन्टल लेना है। आप पेज लेते हो, फोटोकॉपी निकलवा के लाते हो कई बार, तो कई बार तो आपको इस प्रकार के फॉर्मेट में कॉपी मिलती है और कई बार आपको क्वेश्चन इस प्रकार से खड़े मिलते हैं ना। इसमें आपको एक दो तीन चार कई में ऐसे होता है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लिखे हुए इसमें मिलते हैं। तो ये आपके पोर्टल व लैंडस्केप लेआउट के मध्य पेज को बदलने का, ऐसे खड़े पेज को अगर इसमें आधे में बदलना है प्रिंट निकालते वक्त या आपको टाइपिंग करते वक्त इसको इसमें बदलना है, तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिलता है। और इसमें आप ये नाम है ना ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन पर आप क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हो। ये फिर एक आता है साइज का, साइज साइज में क्या कहता है कि जो आपका जो करंट पेज है, क्या आता है कि जो करंट पेज उसमें आप साइज को सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, कि अगर आप इसको स्क्वायर में रखना चाहते हो या तो खड़ा रखना चाहते हो तो इसकी साइज यहाँ से कम कर दी जाती है, अगर इसको स्क्वायर में रखना चाहते हो तो इसकी साइज को बढ़ा देंगे और इसके नीचे वाले साइज को हम कम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। फिर एक आता है कॉलम का, तो आपका जो पेज है उसमें ये इस प्रकार से लाइनें दिखाई देती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ऐसा पेज था आपका, तो इसमें आप दो कॉलम में बांट सकते हो। इसी को मैं यहाँ वाले को यहाँ बता रहा हूं मैं कि आप इसको जैसे आपके पेपर फोटोकॉपी निकलवा के लाते हैं तो इस प्रकार इस फॉर्मेट में रहते हैं, या जो 10th 12th का जो पेपर रहता है ना आप इसको इस प्रकार से फोल्ड भी कर सकते हैं, तो ये आपके एक पेज है वो दो कॉलम में रहता है, ठीक है ना, एक पेज है वो दो कॉलम में बटा हुआ रहता है इस प्रकार से। ये तो थोड़ा खड़ा है ज्यादा है, ये दिखाई दे रहा है इसमें एक कॉलम में इस यहाँ लिखा हुआ है, एक कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है, तो इस कॉलम में वो बटे हुए रहते हैं। तो टेक्स्ट को दो या दो से अधिक कॉलमों में उसको विभाजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक आता है ब्रेक, इसमें क्या काम आता है ब्रेक्स में कि ये दो कॉलम्स को जोड़ने का काम करता है। कॉलम्स का जो ब्रेक है, ब्रेक को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेक को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार ये दो कॉलम है अलग अलग है ना, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ आपका आता है लाइन नंबर, ये भी आपकी इस पेज सेटिंग में ही आ जाता है। लाइन नंबर में रहता है 1
2, 3 नंबर और बुलेट्स में आया था ना, वही ऑप्शन इसमें है कि लाइन नंबर, कि आपके ये लाइन नंबर कहाँ डालेंगे, ये जो आपका पेज का जो हाशिया होता है ना, इस पेज के हाशिए में, ये जो मार्जिन छोड़ी थी ना आपने लेफ्ट साइड में, कि जो लेफ्ट मार्जिन है, इस लेफ्ट मार्जिन में आपको 1, 2, 3 इधर से मिलेंगे, तो ये आपके लाइन नंबर कहलाती है। एक होता है हाइपरटेंशन, क्या होता है हाइपरटेंशन, जैसे इस प्रकार से होता है, ए यहाँ रेखा देगा, बी सी आप लिख रहे होते हो, तो इस प्रकार का निशान इसमें दिखाई देता है, ए ऊपर और बी और सी है वो नीचे दिखाई देते हैं, तो ये क्या कहलाता है हाइपरटेंशन का चिन्ह कहलाता है। इसमें क्या होता है हाइपरटेंशन को टर्न ऑन करने पर वर्ड सिलेबस के बीच में लाइन ब्रेक करने की सुविधा देता है। हाइपरटेंशन टर्न ऑन करने पर आपको लाइन लाइन को बीच में काटने की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे जैसे आप यहां से लिख रहे जा रहे हो, इतना पेज लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आप यहाँ से लिखिए, यहाँ से इंटर लगा सकते हो, आपके आगे जो लिखी हुई है यहाँ कर्सर लाके इंटर लोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ए बी सी इधर ये रहते, तो यहाँ पे टेंशन रहता है कि आपको पता चले कि इसके आगे वाला वर्ड से नीचे वाली लाइन में रहेगा, तो ये हाइपरटेंशन का चिन्ह इस प्रकार से होता है। उसके बाद में रहते हैं पेज बैकग्राउंड, ये तो थे इसके मार्जिन के, उसके आगे रहता है पेज का जो बैकग्राउंड है, उसके ऑप्शन कौन कौन से रहते हैं, इसी पेज लेआउट में ही है, पेज बैकग्राउंड कि पेज के जो बैकग्राउंड है उसके कौन कौन से ग्रुप उपलब्ध रहते हैं, इसके रहता है वाटरमार्क, वाटरमार्क जानते हैं आप कि आपको इसके पीछे शेडेड या जैसे आपके कुछ नोट्स वगैरह होते हैं ना, इस पेज में ये लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ ए आरम्स लिखा रहेगा नीचे इसके, ठीक है, ये आपको हल्का हल्का रहेगा, दिखेगा नहीं बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि यहाँ पे ए आरम्स लिखा हुआ है, अगर ए आरम्स के नोट्स रहते हैं तो उनके पीछे ये लिखा हुआ रहता है, इसको वाटरमार्क कहते हैं, कि ये आपको हल्के हल्के लाइटिंग में दिखाई देता है। इसके बाद में रहता है पेज कलर, इसमें आपको एक कलर बॉक्स ऐसे दिखाई देता है, तो ये बैकग्राउंड के कलर है कि आपके जो पेज के बैकग्राउंड के लिए कलर का चयन करना है, कि आपके जो पेज है उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आप भरना चाह रहे हो, वो कलर भरने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में रहता है पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर का मतलब यह होता है
कि आपका जो पेज है ये, इसके आपको बॉर्डर लगाना है। जैसे आप अपनी फोटो के फोटो फ्रेम लगाते हो ना, तो सेम है कि ऐसे ऐसा आपका पेज दिखेगा कि पेज के बॉर्डर जोड़ा या हटाए जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पेज बॉर्डर का, जो पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड ऑप्शन में मिलते हैं, उसके बाद में आपके रहते हैं कि पैराग्राफ के ऑप्शन। ये तो थे पेज बैकग्राउंड, ये उसके बाद में पैराग्राफ के ऑप्शन रहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है पैराग्राफ में मिलते हैं। एक निश्चित संख्या तक पैराग्राफ की बाएं तथा दाएं साइज को मूव किया जा सकता है। एक पेज है, इसकी दाएं या बाएं साइज को मूव किया जा सकता है। मनचाही साइज में मूव कर सकते हैं आप, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, तो वो आपका ये कहलाता है। एक ये रहता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब रहता है कि आपका स्पेस कितना रहता है। एक रहता है बिफोर, एक रहता है आफ्टर। कि बिफोर एंड आफ्टर का मतलब ये है यहाँ पे कि जो चयनित पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग बदलने के लिए स्पेस छोड़ा जाता है, तो वो कितना स्पेस रहता है। बिफोर और आफ्टर दो ऑप्शन इसमें मिलते हैं। बिफोर का मतलब जैसे आप पैराग्राफ यहां से लिखना शुरू कर रहे हो, तो इसमें कितना स्पेस छोड़ रहे हो पहले, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में इसमें कितना स्पेस छोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है कि स्पेस स्पेसिंग। तो ये आपके इसी पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड के हो गए, और ये इसके पैराग्राफ से संबंधित है कि आप इसको किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ आपके और भी ऑप्शन मिलते हैं इस पेज लेआउट के अंतर्गत, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।